हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे लस्सी से पनीर की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लस्सी को बॉईल होने के लिए रख दिया है, जिसे कि बटर मिल्क भी बोलते हैं। बटर मिल्क अच्छे से बॉईल हो गया। अब हम इसे सिम गैस पर रख देंगे ताकि पनीर जो है इकट्ठा हो जाए। तो देखिए पनीर निकल गया है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए लहसुन, मिर्ची, आलू, पनीर, प्याज, टमाटर। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्ची, आलू और प्याज साथ में डाल देंगे। इससे प्याज का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्ची और आधा चम्मच नमक डाल के इन्हें मिक्स करके पका लेंगे। आलू अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें टमाटर और नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। कढ़ाई तेल छोड़ने लगी है, इसका मतलब टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें पनीर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि पनीर नीचे ना लगे। तो लीजिए, हमारी बटर मिल्क से बने हुए पनीर की सब्जी तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।